जम्मू कश्मीर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन, जिसको के पूरे J&K में समर्थन मिला हुआ है, हमारी तमाम डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन हो, चाहे लाइनमैन एंड वर्कर्स हो, प्रोविंशियल पावर एम्प्लॉयज यूनियन हो, क्लरिकल कैडर हो, टेक्निकल एम्प्लॉयज फेडरेशन हो, ड्राइवर्स की यूनियन हो, सभी लोगों ने आज एक दिन का जो प्रोटेस्ट रखा है, इसमें चीफ इंजीनियर्स से लेकर जूनियर इंजीनियर्स तक सभी ने प्रोटेस्ट लीव दी है, एडवांस इंटीमेशन गवर्नमेंट को दिया, क्योंकि वो देख रहे हैं जिस तरह से हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। पिछले 2 साल में हमने हर डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, जो सरकार में बैठे हुए इदारे हैं उन सब तक हमने बात पहुंचाने की कोशिश की कि 750 से ज्यादा वैकेंसीज इंजीनियरिंग कैडर में खाली है। हमारे चीफ इंजीनियर साहब आज की डेट में फील करते हैं कि वो असिस्टेंट इंजीनियर की तनख्वाह ले रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर साहब देख रहे हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स उनके पास नहीं है, वो इंस्ट्रक्शंस दें तो किसे दें? आज एक एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास 3-3 चार्ज है, एक एक AEE के पास 2-2 चार्ज है, जम्मू के एक्सचेंज के पास विजयपुर सांबा पूंछ का भी चार्ज है। ऐसे हालात बना दिए सरकार ने कि सरकार ने 350 JEE की रिक्रूटमेंट ही बंद कर दी। तो मैं समझना चाहता हूँ सरकार कौन सी पॉलिसी लेकर आगे बढ़ रही है कि जिसकी वजह से लोगों को कोई सफर नहीं करना पड़े। लोगों की बेहतरी के लिए ऐसा कौन सा कदम है जो पोस्टें खाली रखने से वो पूरा किया जा सकता है? ग्रीवेंस रेड्रेसल कैसे होगा अगर आप पोस्टें खाली रखेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब से, आपने 7 दिन में कहा फाइलें होंगी हर डिपार्टमेंट की, आप तो हमारे एडवाइजर हैं जनाब आला, आपके पास हमारी फाइलें 7 महीने के लिए रुकी। मैं अर्ज करना चाहता हूं उनसे, 7 महीने के लिए हमारी फाइल जो आपने भेजी उस पर आपने लिख दिया पहले रेगुलराइजेशन करे, तो पिछले 4 साल से आपने क्यों नहीं कोई रिव्यू मीटिंग की कि रेगुलराइजेशन अभी तक क्यों नहीं हुई? जो हमारा डेली वेजर सड़क पे है उनको 12,000 लोगों को लारा दे के रख दिया कि आपकी रेगुलराइजेशन करेंगे। आप मुझे बताइए ग्राउंड पे क्यों नहीं हम प्रोटेस्ट पे ले उतरे? आपने हमारे साथ पिछले 15 दिनों में कोई भी टेबल टॉक करने की रिक्वेस्ट नहीं समझी। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया माननीय LG महोदय साहब, हमने आपसे कहा J&K इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन बाई एक ऐसी एसोसिएशन है जिसके बाई इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद 2-2 साल में यहाँ पे टेन्योर के लिए ये इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं। आज यहाँ पे चीफ इंजीनियर्स एक कतार में बैठे हुए हैं, सभी प्रोटेस्ट लीव पे बैठे हैं। जम्मू की प्रोविंस के चीफ इंजीनियर संदीप सेठ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बसनोत्रा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुनील गुप्ता साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, थापा साहब, बिशन दास जी, सभी एक्सेंस, सभी तमाम AEEs यहाँ बैठे हुए हैं। सोसाइटी का सबसे एलीट क्लास जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पास हुआ था वो आज 35 साल की नौकरी के बाद मजबूर किया गया है कि वो यहाँ प्रोटेस्ट लीव दे के अपनी मर्जी से और वॉलेंटरली बैठे। मैं ये बताना चाहता हूँ सरकार को, वो ये भी बताना चाहते हैं कि आप चाहे जितना मर्जी कर लीजिए, हमारे लोग एकजुट है, एकमुट है और हमेशा जम्मू की जनता के साथ खड़े हैं। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस हमारा सेंट्रल पॉइंट है। कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए हमें मैन पावर दीजिए। जूरे आला, हम आपसे यही कहते हैं कि वैकेंट पोजीशंस को भरिए। 4,000 टेक्निकल कैडर की पोस्टें खाली हैं, डेली वेजर्स की पोजीशंस को कंप्लीट कीजिए, उनको रेगुलराइज कीजिए, जो सभी लोग इस टाइम आपकी तरफ देख रहे हैं इस उम्मीद के साथ। मैं ये बताना चाहता हूँ आज 24 घंटे बीत जाएंगे तो आप समझते हैं कल ये हड़ताल खत्म, ठीक है। आज हमने 24 घंटे की हड़ताल दी है, लेकिन हमें 15 दिन के बाद 48 घंटे में की हड़ताल पे जाने के लिए कोई नहीं रोक सकेगा। अगर ये एनलिस्टेड इश्यूज जो आज सभी के सामने इस प्रेस वार्ता के द्वारा और ये प्रोटेस्ट के द्वारा रखे जा रहे हैं अगर वो पूरे नहीं किए गए।